खुदा गवाह, खुदा गवाह। हो कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह। बस ये सोच कर मैंने जान दी, वही वही बस ये सोच कर मैंने जान दी। जानी दिल दिया गवाह, खुदा खुदा गवाह, खुदा गवाह। थैंक यू सो मच जी। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। स्टार की ट्रॉफी अब आपके हाथों में है, तो कितनी खुशी है अभी? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे पहले टैली बर्ड्स का मैं बहुत सारा थैंक्स करना चाहता हूँ कि एक निमाने बच्चे की आप इंटरव्यू कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो कैसे खुशी थी जब आपको ट्रॉफी मिली हाथ में, तो क्या फील कर? मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे को कितनी खुशी थी। जिन लोगों को ज़्यादा खुशी हो जाती, फिर वो मतलब कि उनके चेहरे पे नहीं दिखता, उनके दिल में खुशी होती है। तो मेरे भी वैसे हैं, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा, दोस्तों और माँ बाप से कैसा रिएक्शन था उनका, क्या आप कह रहे? किसी को यकीन नहीं हो रहा, जितनी मेरी फैमिली है, दोस्त है, फ्रेंड्स, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि तू जीत गया है। अच्छा, तो जर्नी की बात करेंगे, जो पूरा जो सफ़र था राइजिंग स्टार 3 का, छोटे से गांव से आना, शहर में गाना, सब इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के सामने, आपने कैसा जर्नी था आपका? मेरा बहुत ही अच्छा जर्नी। राइजिंग स्टार ने मेरे को वो कुछ दे दिया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सो मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या क्या मेरे को राइजिंग स्टार ने दे दिया। सो मैं कैसे आया था और देखो अभी क्या लेके जा रहा हूँ। राइजिंग स्टार की ट्रॉफी, 3 लाख का चेक, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, तो जानना चाहिए कि सबसे प्यारा मोमेंट कौन सा था जो अभी भी आपको याद है, मतलब बहुत खुशनुमा मोमेंट है आपने कुछ बहुत? यही है, जब जिस दिन मेरे को ये मिली थी, वो मोमेंट मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। अच्छा, कैसा था मोमेंट, कुछ बताना चाहोगे? लाइक किसने आपको? मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं था। मेरे को लगता था कि बस मेरी दीवार नहीं उठेगी और दिवाकर भैया विनर हो जाएंगे। तो मेरे को तो पक्का पता चल ही गया था। मैंने बोला कि नहीं, विनर बनूंगा मैं, अभी मेरा कुछ नहीं होने वाला, दीवार नहीं उठेगी। सो जब मेरी दीवार उठी, मैं पैसे देखने लगे कि कैसे। सो मैं जनता आपका बहुत, जितना भी टैक्स करूँ उतना ही कम है। अच्छा, तीनों जजेस थे, तो सबसे ज़्यादा जजेस किन से ज़्यादा आपको सीखने मिला और कौन आपके फेवरेट थे? तीनों ही। तीनों ही, क्योंकि अगर मैं आप कोई भी तीन रोटी पकड़ के बैठे, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं ये खाऊंगा ये खाऊंगा। उसको जो भी दे देगा वो खा ही लेगा, क्योंकि रोटी एक जैसी होती है। तो मेरे जजेस भी एक जैसे हैं मेरे लिए। अच्छा, तीनों जजेस की बात करें, तो किससे क्या कुछ सीखने मिला? नीति मैम से क्या सीखा आपने? शंकर सर जी से मैंने गाने पे फोकस कैसे करना, कैसे सीखना वो, और दलजीत सर से मैंने एनर्जी, और नीति मैम से मैंने एक्सप्रेशन। बहुत बढ़िया। अब क्या प्लान है आप, किस तरह से अपने? मैं जी जो भी मेरे को चेक मिला है, मैं अपनी दीदी की शादी करूँगा और अपने घर में स्टूडियो बनाऊँगा, माँ बाप को खुशियाँ दूँगा, फैमिली को खुशियाँ दूँगा। अच्छा अच्छा, पढ़ाई लिखाई कैसे फिर मैनेज करोगे, सिंगिंग में फिर पढ़ाई भी, तो कैसे? अरे स्कूल वाले मेरे बहुत अच्छे हैं, वो मेरे को मदद करते हैं, बोलते कि तू ट्रॉफी जीत के ला, फिर तेरी पढ़ाई एकदम शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा, अब तब एक जो जिंदगी का एक जो था वो ट्रॉफी तो राइजिंग स्टार की आपने जीत ली, तो आगे का क्या सोचा है, कौन से और नए शोज में, मतलब आगे की फिल्म का कोई ऑफर आया आपको? अभी नहीं आया, लेकिन मेरे को लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़रूर आएगा। मेरे फैंस नहीं हैं वो, मेरे फ्रेंड्स, दोस्त, भाई बहन ही हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच अपने छोटे भाई को वोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। लव यू।